वेलकम बैक फ्रेंड, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेज 1 2 3। मैं पूर्व मेदिनीपुर के ताजपुर के इलाके में आज हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्ताल समुद्र जो अभी ज्वार की स्थिति में है। और ये जो वृक्ष यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कभी ये चीड़ के वृक्ष कभी यहाँ पर लगे थे, हुआ करते थे, लेकिन समुद्र के इरोजन के कारण ये आज अपने अस्तित्व में नहीं है। आप इधर देख सकते हैं कि ये जो चीड़ के पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे सॉयल इरोजन के कारण ये धीरे 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 क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर समुद्र जो है वह इरोजन का कार्य कर रहा है और यह कई किलोमीटर तक यहाँ पर समुद्र अंदर की तरफ घुस गया है। ये जो ताजपुर का जो एरिया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि इस तरीके से यहाँ पर जो है सॉयल इरोजन हो रहा है और प्रकृति का यहाँ पर जो एक मनोरम दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है कि समुद्र अपने इरोजन पावर के से किस तरीके से यहाँ के वेजिटेशन को लाखों टन लकड़ियाँ, लाखों टन यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको जो है समुद्र निगल चुका है। आप देख सकते हैं ये उत्ताल समुद्र ताजपुर का और ये उसका जो है खौफनाक रौद्र रूप आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जाने के बाद आपको ऐसा मिलेगा कि यह समुद्र यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ पर जो एक तरीके से जैसे नदी इरोजन का कार्य करती है और डिपोजिशन का कार्य करती है, उसी तरीके से समुद्र भी इरोजन का कार्य और डिपोजिशन का कार्य कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने विशाल विशाल पेड़ हैं और ये अपनी जड़ों से जो है वह उखड़ चुके हैं। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है स्थानीय किसान हैं, यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी जैसा भी कुछ किए हैं। पता नहीं ये कौन सी फसल है, क्या है, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। या ये कोई फार्मिंग है या ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये इस तरीके से यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है, फिर से चीड़ के पेड़ को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो घना जंगल आपको दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा है, आपको ये सब के सब पेड़ सूख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उस तरीके का जो है इनको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है और समुद्र कहीं ना कहीं यहाँ पर कटाव का काम कर रहा है। ये हाई टाइड के समय या अम्फन के समय ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का ये मंजर जो है वह समुद्र के द्वारा किया गया है या दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े विशाल विशाल ये चीड़ के पेड़ आज अपने अस्तित्व में नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये अपना अस्तित्व हो चुके हैं। आप लोगों को मैं उधर का भी थोड़ा नज़ारा दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं ये समुद्र और यहाँ पर समुद्र जो है इरोजनल वर्क करते हुए, और समुद्र का पानी देख सकते हैं आप कितना गंदा, यानी कि इसमें बहुत सारी मिट्टी, धूल के कण इत्यादि इत्यादि देखने को आपको मिल सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये कटाव का काम किया गया है वहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर गवर्नमेंट के द्वारा जो है लगाए गए हैं ताकि उस इरोजन को रोका जा सके और इसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जा सके। मुझे एक बार बहुत पहले आने को मौका मिला था, मैं यहाँ पर आया था तो कम से कम वहाँ तक ये पूरा आगे समुद्र में ये पूरे चीड़ के पेड़ थे और किनारे किनारे जो है यहाँ पर सैर सपाटा लोग किया करते थे। लेकिन आज वह दृश्य नहीं है, वह मंजर नहीं है, आज सब कुछ बदल चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। स्थानीय लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके समुद्र के किनारे और अपने जीविकों का पार्जन के लिए जो सामान वगैरह है बेचा करते हैं। और यहाँ पर आप चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरीके से जो है बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर लगाए गए हैं इरोजन को रोकने के लिए, समुद्र के कटाव को रोकने के लिए। मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ ये बड़े बड़े पत्थर। गवर्नमेंट कितने करोड़ों करोड़ों का बजट बनाती है और इस
कटाव को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से समुद्र का लेयर बढ़ रहा है, वह एक खतरा है, एक डेंजर की घंटी बजा रहा है, जिसके कारण आज आए दिन अनेक जगहों पर इस तरीके के कटाव देखने को मिल रहा है। समुद्र तो समुद्र होता है, इसका मिजाज कौन समझ सका आज तक। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े बोल्डर, यहाँ पर भी बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन इरोजन वर्क होने के कारण ये सारे के सारे पेड़ यहाँ पर आज नहीं रहे, और इस तरीके से इस समुद्र की लहरों को रोकने के लिए इस तरीके के बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए हैं यहाँ पर, और भी लगाने की संभावना है, काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई पड़ रहे हों। मैं थोड़ा और अगर ऊंचाई पर चढ़ूं तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूं कि ये बड़े बड़े बोल्डर कहां तक हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक ये दिख रहा है, ये मंजर, ये यहां पर कटान ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं चीड़ के सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ आगे RCC ढलाई की दीवार भी बनाई जा रही है, जिसके कारण ये समुद्र का कटाव जो है वह रुके, कम हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये समुद्र भी ज्वार की स्थिति में, पानी धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये दूर तक जो मंजर आप देख रहे हैं, इस मंजर को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है इन चीड़ के पेड़ों के नीचे यहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं प्लास्टिक के, इसमें लोग बैठ करके आनंद ले रहे हैं, पर्यटक लोग, और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ, आप ये देख सकते हैं इस चीज़ को। समुद्र का जो कटाव होता है वह एक विचित्र तरीके से होता है, बहुत ही तेज़ी के साथ समुद्र की लहरें तट से टकराती हैं, और वो जितना कुछ होता है सब बहा करके लेके चली जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से चढ़ रहा है, और फिर जब पीछे की तरफ जा रहा है। अब मैं समझाऊंगा आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में कि वेव्स किसे कहते हैं और करंट किसे कहते हैं, सी वेव्स किसे कहते हैं और सी करंट किसे कहते हैं। तो धारा में और लहरों में अंतर है। आप देख सकते हैं पानी बहुत ही गंदा, यानी इरोजन किया हुआ पानी है, इसमें बहुत सारे जो है सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और यहाँ की ये जो ताजपुर का जो समुद्र है, यहाँ की ज़मीन की संरचना कुछ अलग है, यहाँ की संरचना कुछ अलग है, मिट्टी जैसा है लेकिन कठोर है, इसमें उस तरीके से पांव वगैरह नहीं धंसता, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से समुद्र इस पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को इरोजन के चपेट में ले चुका है, कटाव के चपेट में ले चुका है। तो इस तरीके से आप लोग, वीडियो कैसा लगा इस चीज़ को कमेंट कीजिएगा, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये उतरने चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा भी पैर अगर इधर उधर हुआ तो ये बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत तीखे तीखे ये जो है चट्टाने हैं। यहाँ कुछ समुद्री प्रोडक्ट, समुद्री जीव जो कि यहाँ पर मछुआरों के द्वारा इकट्ठा किया गया, इसे बेच दिया गया है। कुछ मरे हुए मछलियां हैं, कुछ समुद्री जीव हैं, एप्सेप्ट्रा। आप लोग इस तरीके से इस पूरे मंजर को आप देख सकते हैं कितना खौफनाक है। ये पूरा यहां से लेकर के और ये सामने जो दिखाई दे रहा है वहां तक, ये पूरा का पूरा इरोजन वाला एरिया है। दीघा जो बीच है वह इरोजन का नहीं है, वहाँ पर समुद्र इरोजन
मैंने देखिए अभी ये नाव सूखे में थी और अभी पानी आने के कारण ये नाव जो है हिलने लगी, और जब ये ज्वार की स्थिति आएगी मछुआरे लोग इसे लेकर के समुद्र में चले जाएंगे। मैं थोड़ा जूम करके इस चीज़ को आप लोगों को दिखा दूं कि जैसे समुद्र की लहरें आएंगी ये नाव जो है हिलने लगेगी और इसे फिर समुद्र में लेकर के मछुआरे चले जाएंगे और मछली पकड़ेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मंदरमनी तक, यहाँ से लेकर के और मंदरमनी तक अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको, यहाँ से लेकर के और मंदरमनी तक वो जो दिख रहा है एकदम सामने वो मंदरमनी है, वहाँ तक ये पूरा कटाव का एरिया है। समुद्र पूरा पूरे तरीके से इस चीज़ को काट रहा है, यहाँ के पूरे सॉयल को, मिट्टी को, यहाँ के वेजिटेशन को, और ये तरीके से समुद्र का ये रूप, ये नज़ारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।